और भाई लोग सब कैसे हो? सब बढ़िया ही हो गए। और यहाँ पे मैं मेरा भाई जो है कारागिरी करते हुए हमेशा ये जब भी बारिश चालू हो जाती है और बारिश बहुत ज़ोर से गिरती है, क्योंकि मेरा जो टंकी का जो ये है लॉक वो ख़राब हो गया था, तो उसमें इतना ज़्यादा पानी भर गया कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को लगा नहीं था उतना ज़्यादा पानी भरेगा, बट मैं मेरे घर पे ही है एक हमारा मैकेनिक, तो वो पूरा खोल दिया गाड़ी, पूरा काम करने लगा उसका, पूरा निकाल दिया उसका पुर्जा। जब तुम्हारे बाइक के साथ ये ऐसा सीन होता है तो कितना बुरा लगता है। और मैं पूरा ओपन किया, वो पूरा मेरे गाड़ी को पहली बार देखा मैंने, खुद की गाड़ी को ऐसा ओपनली सब निकालते हुए। ये फ्यूल पंप है शायद, आई थिंक सो, इतना मेरे को आइडिया नहीं अंदर अंदर क्या क्या रहता है। अपन तो बस बाइक चलाते, बाइक के अंदर क्या है वो जानना चाहिए, बट अभी जब सारी चीज़ें खोल दिया तो मेरे को सब पता चला कि क्या क्या भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है बाइक के अंदर, चेसिस से लेकर इंजन के अंदर से लेकर जब घर पे मैकेनिक हो तुम्हारे, तो पूरा ये पेट्रोल की जो टंकी है पूरा खोल दी थी, क्योंकि उसमें पूरा पानी भर गया था। जैसे ये यहाँ पे देख सकते, पूरा हिल रहा था पानी, और दिख रहा भी है, पेट्रोल भी है पानी भी है। बट मैं भाई को बोला था पूरा फेंक दे, बट उसने बोला कि नहीं भाई उसमें पेट्रोल भी रहता है, पूरा आधा पानी नीचे आ जाएगा। और मैं वैसे ही ऐसी 4 या 5 बॉटल मैंने निकाली तो ऐसे ही पानी मिल रहा था मेरे को हर बॉटल में, तो मैं देख के शौक हो गया। अभी ये पानी कैसा निकालेंगे, पानी का तरीका कैसे निकालने का, वो देखो ये हमारा लेजेंडरी भाई पूरा पानी को ऐसा नीचे करके पेट्रोल बचा रहा था। और मैं बोला पेट्रोल भाई तू तेरे गाड़ी में डाल ले, मेरे को तुम मैं वो पेट्रोल नहीं चाहिए, मैं बोला दूसरा डाल लूँगा मैं। और ये ऐसा होता है, और वही पेट्रोल मेरे भाई ने निकाल के वही गाड़ी में वापस डाली उसने। और ये सब चीज़ें तो आप जब पहली बार देखते हो तो खुद को लगता है कि यार कुछ तो शॉकिंग कर रहा है, कुछ तो अलग है ये सब। और ऐसे करके मैंने 5 या 6 बॉटल जो है गाड़ी में से निकाला, मैं बोल रहा था उसको फेंक दे। फिर उसके बाद गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि बैटरी भी बहुत डाउन हो गई थी, बहुत पुरानी बैटरी थी। तो मैं अपने एक्टिवा से निकाल के तो भाई उसे जॉइंट मार के वो गाड़ी का बैटरी उठा रहा था, बट वो स्टिल वो चालू नहीं हो रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग को पूरा बैटरी निकालना पड़ा उसका, तो बैटरी से बैटरी टच करने के लिए देखा, तभी जाके गाड़ी चालू हुई। काम करने के बाद जो है गाड़ी कितने अच्छे से चालू हो गई, एकदम स्मूथ। पहले ही सुना मैंने ये साउंड काफ़ी टाइम बाद, तो बस यहाँ पे सब लगा दिया हम लोगों ने और रिकवर भी लगा दिया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।